आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत में छठी पेशी 21 तारीख को सवालनामा दिया हमें कल तहरीरी जवाब मिले शहबाज शरीफ से मजीद तफ्तीश दरकार है नैब ने मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा कर दी 55 रोज गुजर गए नैब कुछ साबित नहीं कर सका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए वकील शहबाज शरीफ अमजद परवेज कयादत के नोटिस पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर जमा शेर आया के नारे अदालत जाने की कोशिश पर पुलिस अहलकारों की तल्ख कलामी धक्कम पेल डंडे मारकर बैरियर तोड़ने की कोशिश ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज भी अदालत में मौजूद हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी सबके सामने है अवाम परेशान है भारतीय वजीर खारजा और वजीर आला का पाकिस्तान आने से इनकार अच्छा शगुन नहीं कभी अटल बिहारी वाजपेयी खुद चलकर लाहौर आए थे ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गुफ्तगू कारकुनों को एहतसाब अदालत में जाने से रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम पुलिस और एंटी राइड फोर्स के दस्ते तैनात एहतसाब अदालत को जाने वाले रास्ते कंटेनर्स और खारदार ताने लगाकर सील एमयू कॉलेज सेक्रेटेरिएट चौक और लोअर माल ट्रैफिक के लिए बंद हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स के दस्ते भी अदालत में मौजूद पंजाब यूनिवर्सिटी की 305 कनाल अराजी ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए एलडीए को देने का मामला शहबाज शरीफ के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने के लिए चेयरमैन नैब को खत कानून के तहत तालीमी इदारे की अराजी तरक्याती मंसूबों के लिए नहीं दी जा सकती खत का मतन वजीर आजम के बाद वजीर आला शिकायत सेल का कयाम हर शहरी अपनी शिकायत का इंदराज करा सकेगा वजीर आला उस्मान बुजदार आज ऐवान वजीर आला में शिकायत सेल का इफ्तिताह करेंगे मोटरसाइकिल रेस ने एक और जान निकल ली कलमा चौक अंडरपास में दो मोटरसाइकिलों में रेस लगाते हुए हादसा पेश आया हादसे में एक नौजवान जान बहक दूसरा फरार मरने वाले की उम्र 20 साल के करीब है हुजूरी बाग में वजीर आला पंजाब की जानिब से भारतीय मेहमानों के एजाज में इशाइया मेहमानों की लाहौरी खाबों से तवाजो गवर्नर पंजाब फवाद चौधरी समेत दीगर सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज की शिरकत वजीर आला पंजाब बोले सिख यात्री जब भी आएंगे पाकिस्तान से अमन का पैगाम लेकर जाएंगे हम कश्मीर समेत तमाम मसाइल को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं और खुश्क मौसम में हर सू गुले दाऊदी की खुशबू जिलानी पार्क में रंगारंग फूलों का मेला सज गया कुदरत की रंगीनियां देखकर लोग मसरूर होने लगे